वेलकम टू किचला आर्ट स्कूल। दिस इज योर होस्ट राहुल मजुमदार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। इस सेगमेंट में मैं आप सभी से रूबरू करवाता हूँ दुनिया की बेहतरीन आर्ट और उनके किए गए आर्टिस्ट के बारे में। आज का विषय आप लोगों के सामने बरोक पीरियड का एक बेहतरीन आर्टवर्क है जिसका नाम है टॉकिंग ऑफ क्रिस्ट। नाम सुन के ही आप लोगों को समथिंग कुछ पता चल रहा है कि टॉकिंग ऑफ क्रिस्ट यानी यीशु मसीह के साथ वार्तालाप। यहाँ पर आप सभी के सामने एक बेहतरीन पेंटिंग है जो बारोक पीरियड का है और ये द ग्रेट कैराविजियो का बनाया हुआ बेहतरीन पेंटिंग है। इस पेंटिंग को आप लोग गौर से देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर इतना बढ़िया तरीके से इसे दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं? 7 कैरेक्टर्स यानी 7 ह्यूमन फिगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स जो बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा। कैराविजियो एक ऐसे आर्टिस्ट थे बारोक पीरियड के जो हाई रेनेसांस के बाद ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके नहीं, गॉड को भी सिंपल ह्यूमन बीइंग करके प्रोजेक्ट करते थे। यानी आर्ट हो गया था सिंपल एंड डाउन टू अर्थ, यानी एकदम समतल प्रक्रिया में समाहित होने वाले चित्र जो सभी से रिलेट हो सकते थे। यहाँ पर जो स्पेशल कैरेक्टर यानी गॉड फीलिंग कैरेक्टर्स जो होते थे पहले की समय में, यानी हाई रेनेसांस उन सभी समयों में भगवान के जैसे जो कैरेक्टर होते थे उन्हें एक अलग ही चार्म या अलग ही नज़रिए से प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता था। बट इन बैरोक पीरियड उन भगवान टाइप्स कैरेक्टर्स को बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग वो कैरेक्टर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो 7 कैरेक्टर्स हैं, फिगरेटिव कैरेक्टर्स, इनमें लेफ्ट टू राइट आपको देखना है तभी 7 कैरेक्टर आप समझ पाएंगे। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर में जो फिगर है हाथ ऊपर करके कुछ चीख के बताने की कोशिश कर रहा है। वो यंग है, उसके गाल में बियर्ड नहीं है, वो वेरी वेरी मच यंगर देन दोस फिगर्स इन दिस पिक्चर्स। उस फिगर का जो नाम है वो है जॉन, और जॉन के बाद जो फिगर है आप लोगों को पता चल रहा है कि वो जीसस है यानी यीशु मसीह। और उसके बाद जीसस को पकड़ के जो किस करने के बाद, यानी यीशु मसीह को किस करने के बाद की मोमेंट की, ये एक एडेक्लेंस क्लिक है। यहाँ पर जिसने यीशु मसीह को जकड़ के पकड़ रखा है उस फिगर का नाम है जूडस, यानी जो बिट्रे किया था जीसस के विरुद्ध, जीसस को पकड़वाया था, सैनिकों को समझाया था कि दिस इज जीसस, तो वो किस करने के बाद का मोमेंट है। और देखिए उसके बाद 3 सोल्जर्स जिसके पूरे बॉडी में देखिए मेटलिक आर्म्स है, वो एकदम पॉलिश्ड है, जिनमें वाइट डेजलिंग लाइट दिखाया जा रहा है। और ये एक नाइट का सीन है, बैकग्राउंड देखिए पूरा ब्लैक, पूरा डार्क टोन। ये एक ड्रामा है, एक स्पेशल ड्रामा, ए मोमेंट ऑफ ड्रामा, जैसे स्टेज में नाटक होता है वही स्टेज यहाँ पर कैराविजियो ने रचना किया था। और यहाँ पर 3 जो आर्म्ड सोल्जर्स है उनके अलावा भी एक फिगर है, आप लोग गौर से देखिए, जो फिगर लैम्प को पकड़ के रखा है, द बैरियर ऑफ लैम्प। यहाँ ये एक लौता लैम्प है जिससे इस पूरे चित्र में रोशनी फैल रहा है। वो जो बैरियर ऑफ लैम्प है वो इस पूरे घटना को देख रहा है। यहाँ पर आप इस फिगर के फेस को ध्यान से देखिए और इसे आप कह सकते हैं कैराविजियो का सेल्फ पोर्ट्रेट, यानी कैराविजियो का खुद का चित्रायन। कैराविजियो ने अपने पेंटिंग्स में बहुत बार सेल्फ पोर्ट्रेट को दर्शाया है, यानी खुद उस घटना में शामिल होना चाहते थे, उस घटना की एक दर्शक बन के खड़ा होना चाहते थे, इसीलिए इस फिगर का रचना यहाँ पर कैराविजियो ने किया है, द ग्रेट कैराविजियो ने किया है। फर्स्ट फिगर टूवर्ड्स लेफ्ट
एंड लास्ट फिगर्स जो लैम्प बैरियर है, इन दोनों फिगरों में आप लोग समानता देख सकते हैं। जो फिगर जॉन का है जो ऊपर हाथ उठा के जीसस के सामने खड़ा हुआ है, कुछ बातें कर रहा है, यानी सामने कुछ क्राउड्स है शायद उनसे, तो इस फिगर और जो लैम्प बैरियर है, ये दोनों फिगर देखिए एक दूसरे के साथ सिमिलरली कमिट हो रहा है। लैम्प बैरियर जो हाथ उठा के खड़ा हुआ है, उसके हाथ को देखिए, लैम्प के ऊपर हाथ को देखिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल फिनिश्ड वर्क, रोशनी भरपूर गिर रहा है। जिस हाथ से ये पूरा ड्रामा का रचना हुआ है, यानी कैरवेजियो के हाथ से, वही हाथ यहाँ एकदम पर्टिकुलरली ब्यूटीफुली दिखाया जा रहा है। जो मैकेनिज्म यानी जो हाथ से इतना सुंदर बढ़िया एक दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, उस हाथ को कितने सुंदर तरीके से कैरवेजियो ने यहाँ पर दिखाया है, आप लोग देखिए गौर से। यहाँ पर देखिए जॉन और जूडस, बीच में यीशु मसीह यानी जीसस, इन तीनों फिगरों के बीच में देखिए आप लोग वेल कम्युनिकेशन है। इन तीनों को आप एक सर्कल में ढाल सकते हैं। जॉन के ऊपर से जो एक रेड क्लॉथ जीसस के ऊपर से होके जॉन तक जा रहा है, वो तीनों फिगरों को एक साथ बाइंड कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। यहाँ पर देखिए रेड एंड ग्रीन कलर्स आर मोर इफेक्टिव। यहाँ पर कलर्स क्या क्या है आप लोग ब्लैक कलर बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ब्राउन के इफेक्ट है, रेड है, ऑरेंज है लाइट देने के लिए, येलो वाइट फ्लैश टिंट कलर है, यहाँ पर लिटिल बिट ऑफ रेडिश इफेक्ट इन एवरीवेयर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यह चित्र बहुत ही नायाब चित्र है कैरवेजियो का, और ये एक माइलस्टोन पेंटिंग है इन बैरोक पीरियड। और इस पेंटिंग को आप लोग जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको गौर से देखिए, इस पेंटिंग को आप लोग 52.6 इंचीस बाय 66.7 इंचीस में देख पाते हैं। ये एक कमीशन वर्क था, पर यहाँ पर सभी चीज़ इतना डिटेलिंग है, इतना ड्रामेटिक है, जैसा लग रहा है एक स्टेज के ऊपर ड्रामा चल रहा है, एक ब्यूटीफुली क्रिएटेड ड्रामा। रोशनी भरपूर, बैकग्राउंड एकदम सिंपल। कैरवेजियो का खासियत था कि वो कभी भी लेयर आफ्टर लेयर कलर नहीं भरते थे, बैकग्राउंड को एकदम डार्क कलर से पहले भर देते थे, फिर वो एक एक कैरेक्टर्स को सुंदर तरीके से जहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे वहाँ पर वो ड्राइंग करते थे, उसके बाद वो कलर करते थे, और पहला टोन ऑफ कलर सूखने से पहले ही वो दूसरा तीसरा कलर इनबिल्ट करते रहते थे, ताकि एक पहले कलर से दूसरा कलर, दूसरे कलर से तीसरा कलर, सब ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर ब्लेंडिंग यानी रियलिज्म अपनी चरम शिखर पे था, और कैरवेजियो एक ऐसे इंसान थे जो डाउन टू अर्थ एवरी ह्यूमन बींग से रिलेट करते थे, तभी उनके एवरी पेंटिंग में देखिए सभी फिगर्स कैसे डाउन टू अर्थ, जो फिगर्स हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं अपने आसपास, वही फिगर्स यहाँ पर कैरेक्टराइज किया गया है। और यहाँ पर देखिए जीसस को पकड़ने वाले जूडस के हाथ देखिए, यहाँ पर जीसस को पकड़वाने के लिए जूडस जो हाथ जीसस को पकड़ के रखा हुआ है, उनमें भी एक अद्भुत सी फ्लैश एंड टिंट इफेक्ट है, वो डाउन टू अर्थ है। वो जीसस का पकड़वाने के बाद अपने आप में ही पछता रहे हैं और जीसस से क्षमा भी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रैब जीसस। और नीचे देखिए जीसस के दोनों हाथ देखिए एक दूसरे के साथ कैसे मिल्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जीसस को शंका या भय है अपने आने वाले भविष्य को लेकर के, यानी जब ये सोल्जर्स उन्हें पकड़ के ले जाएंगे और उनके साथ क्या होगा, वो जीसस को चिंता करने के लिए मजबूर कर रहा है। यही है डाउन टू अर्थ एवरी ह्यूमन बींग से रिलेट करने वाला पेंटिंग। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर बढ़िया कलर, कितना कंपोजिशन परफेक्टली डन है। यहाँ पर एक भी फिगर ड्राइंग करने के बाद कैरवेजियो ने दोबारा इसे रोटेट नहीं किया या बदला नहीं, एक्सेप्ट जूडस के जो कान है वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक लाए हैं कैरवेजियो ने, अदरवाइज पूरा वर्क जैसे उन्होंने सोचा था, जैसे उन्होंने कैनवास के ऊपर प्राइमरीली ड्राइंग किया था विद कलर, वही उन्होंने आखिरी तक वही कंपोजिशन को दोहराया था, यानी कंप्लीट किया था। ये एक बेहतरीन आर्ट का नमूना है, और ये आप जितने बार देखेंगी उतना ही आपको अच्छा लगेगा। इस वर्क को ऑयल ऑन कैनवास में किया गया है,
ये इटालियन बैरोक पीरियड का एक फाइनेस्ट आर्ट वर्क है, और ये वर्क आप लोग देखिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वर्क अच्छा लगेगा। मेरे चैनल किशाई आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो मुझे भी उत्साह मिलता रहेगा आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन डॉक्यूमेंटेड वीडियो लाने में। आज के लिए इतना ही। सो नमस्ते फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ ऑल।